हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले के सबसे पुराने नवरात्रे आज भी मचा रहे हैं धूम। सिलदर नव चेतन युवा संगठन ने रायचंद सोनी का किया जोरदार स्वागत। सिलदर कस्बे में श्री नवचेतन युवा संगठन सिलदर गरबा महोत्सव आज भी गरबों में अपने पहले स्थान पर बना हुआ है। श्री नवचेतन युवा संगठन सिलदर द्वारा लगभग 58 सालों से हर साल धूमधाम से नवरात्रि महोत्सव अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। पूरा गांव एकता के साथ मिलकर नवरात्रा महोत्सव मनाता है। एक से बढ़कर एक गरबों की प्रस्तुति दी जाती है और हर देवी देवता का रूप धारण किया जाता है। 50 सालों से नवरात्रि महोत्सव मनाते आ रहे हैं सिलदरवासी। सिलदर में नवचेतन युवा संगठन द्वारा संचालित नवरात्रि महोत्सव 50 सालों से ज्यादा वक्त से संचालित किया जा रहा है। सिलदर क्षेत्र में नवरात्र देखने के लिए आसपास के गांवों से और अन्य राज्यों से प्रवासी भाई सिलदर के गरबा नृत्य देखने आते हैं और सुप्रसिद्ध गरबों की वजह से अम्बे माँ की धर्मशाला बहुत ही अलग बनी हुई है। ऐसी धर्मशाला किसी किले से कम नहीं है। महाकाली का रूप देखने के लिए दूर दराज से आते हैं सैकड़ों लोग। सिलदर श्री नवचेतन युवा संगठन द्वारा संचालित नवरात्र महोत्सव बहुत ही अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। गरबों की सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला रूप धारण महाकाली का होता है। मानो महाकाली खुद धरती पर आई हो। महाकाली गरबा देखने देर रात तक लोग बैठते हैं। श्री नवचेतन युवा संगठन सिलदर द्वारा उद्योगपति का किया गया जोरदार स्वागत। आपने हमेशा एक नाम गोभक्ति और समाज सेवा में सुना होगा, जो गोमाता के लिए दिल के दरवाजे खोल कर रखते हैं। जिले में लंपी बीमारी समेत अन्य जगहों पर भी इन्होंने सहयोग किया है। वो है भामाशाह समाज सेवी गोभक्त रायचंद सोनी। मंडिया का सिलदर ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और माला साफा और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। रायचंद सोनी बड़े उद्योगपतियों में शुमार हैं। देश विदेशों में कारोबार होने के बाद भी अपनी जन्मभूमि से ज्यादा लगाव रखते हैं और बढ़ चढ़ कर सामाजिक सहयोग में हिस्सा लेते हैं। रायचंद सोनी परिवार के पूरे जिले में गोभक्त के रूप में जाने जाते हैं। जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।